तो स्वागत है आप सभी का फिर से एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों बिहार में जो टोटल 30,000 प्लस टू और हाई स्कूल के लिए भर्ती लाया गया था, तो वो फाइनली जो भर्ती तो हो सके तो स्थगित हो सकती है। क्योंकि तो आप सभी को पता है कि बिहार में क्योंकि तो आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस के कारण पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश लॉकडाउन की परिस्थिति में है। इसी कारण से तो नया नया न्यूज़ लाया जा रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जहाँ पे तो बताया जा रहा है कि कोरोना के फेर में फंसे 30,000 शिक्षकों की बहाली। तो देखते हैं यहाँ पर साथ से लिख दिया गया है कि कोरोना के चक्कर में 30,000 जो शिक्षक की भर्ती लाई गई थी वो पूरी तरह से फंस चुकी है। चौथी बार हाई स्कूल और 10+2 के शिक्षकों का नियोजन पर कार्यक्रम टलने के आसार। तो देखते हैं चौथी बार, इससे पहले भी 3 बार ऑलरेडी जो ये पूरा प्रोसेस था 10+2 हाई स्कूल का जो 30,000 की भर्ती लाया गया था उस पर फाइनली पहले भी डेट बढ़ा दिया गया था कि इस दिन नियोजन किया जाएगा। उसके बाद उसको फिर टालकर फिर अगला डेट दिया गया, उसको फिर अगला डेट दिया गया। अब फाइनली तो बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस को स्थगित कर दिया जाएगा पूरी 1-2 महीने तक। हाँ तो बिल्कुल मैं बस सही बोल रहा हूँ, पूरा 1-2 महीने तक पूरा स्थगित कर दिया जाएगा। जहाँ पर आपको सबको पता होगा कि पूरा भारत लॉकडाउन की परिस्थिति में है, जो 14 अप्रैल को ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, खत्म हो जाएगी लॉकडाउन। उसके बाद तो हो सके तो आई थिंक तो इस डेट को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तो पूरा गंभीर स्थिति है पूरे भारत में जो कोरोना वायरस के कारण तो दिन पर दिन जो केसेस है बढ़ते जा रही है। तो हो सके तो इस रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको अपने चैनल में बताते रहूंगा। जहां पर तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही बुरी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले साल 1 जुलाई को ही जारी किया गया था ये नियुक्ति का कार्यक्रम। तो ये देख सकते हैं ये जो नियुक्ति का कार्यक्रम पिछले साल 1 जुलाई को ही जारी किया गया था, और आप देख सकते हैं फाइनली अप्रैल भी खत्म होने वाली है और अभी तक किसी भी आगे कोई भी नियोजन पत्र नहीं दिया गया है। और तो ये नियोजन पत्र का जो डेट है फाइनली अभी तक 3 बार टाला जा चुका है, ये चौथा बार है जिसे टाल दिया गया है। और तो ये जो टाला गया है अच्छा खासा दिन लगेगी इसको अब जो भी प्रक्रिया होने में, कम से कम 2-3 महीना लग जाएगी, यानी तो मई जून तक अब आपका प्रोसेस होगा। तो जरा जूम में कर यहाँ बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कोरोना के फेर में सरकार हाई स्कूल व प्लस टू में 30,000 शिक्षक की बहाली फंस गई है। तो देखते हैं यहाँ पर साफ रूप से लिख दिया गया है कि आपकी जो बहाली है 30,000 की भर्ती वो फंस गई है ये कोरोना वायरस के चक्कर में। हाँ तो ये बिल्कुल सही है, फंस चुकी है। अब आपको 2-3 महीना और भी टाइम लगेगी आपको नियोजन प्रक्रिया पूरा होने में। तो दोस्तों जो भी न्यूज आएगी मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो प्लीज़ तो वीडियो को पहले लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और इस तरह बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन बात करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल बनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके।